प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम स्टोकियोमेट्री का लास्ट पोर्शन करेंगे और लास्ट पोर्शन है हमारा वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बेस पे बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, फाइव पॉइंट सिक्स लीटर ऑफ, पहला क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ CH4 इज ignited each ignited in presence of oxygen gas is ignited in presence of oxygen gas. Calculate the number of moles of, calculate the number of moles of CO2 फोर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, करिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फोर्ड। फाइव पॉइंट सिक्स लीटर मिथेन है, इसको इग्नाइट करवाया गया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जो CO2 में बने हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, जब भी आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे तो पहली स्टेप तुम्हारी होगी रिएक्शन लिखा करो। मीथेन का इग्निशन हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो CH4 है प्लस में क्या है O2, और इससे क्या बनेगा CO2, प्लस में क्या निकलेगा 2 mole of H2। अब बेटा H यहाँ पे 4 है, H यहाँ भी 4 है, हो गया। O यहाँ पे 2 O2 4 है, तो O यहाँ भी 4 हो गया। रिएक्शन पूरी बैलेंस है, ओके। तो अब तुम देखो बेटा, आपको यहाँ पे देखा करो क्वेश्चन को ध्यान से, कौन सी टर्म किस तरीके से दी गई है। CH4 दिया गया है वॉल्यूम की टर्म में और CO2 के पूछे गए हैं मोल्स। तो आप देखो ये 1 mole है और 1 mole की स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होती है 22.4 लीटर, और इससे किसके मोल पूछ रहा है ये CO2 के। तो आप देखो 1 mole बन रहा है CO2 का, तो स्टेटमेंट क्या बनाओगे देखिए, 22.4 लीटर 22.4 लीटर ऑफ मीथेन प्रोड्यूस CO2 कितना 1 mole, 22.4 लीटर मीथेन है उससे कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है 1 mole। तो आगे देखो बेटा, 1 liter मीथेन अगर मैं लूंगी तो कितनी CO2 बनेगी, तो ये हो जाएगा 1 upon 22.4। और हमें न्यूमेरिकल में कितने CH4 दी गई है, हमें न्यूमेरिकल में दी गई है 5.6 लीटर। तो अगर मैं 5.6 लीटर CH4 लूंगी तो उससे कितना मीथेन बनेगा वो आपको बताना है। तो 5.6 लीटर से कितना बनेगा बेटा, तो इनटू में क्या आ जाएगा 5.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 56, 4 जा
224। तो क्या आंसर आया भाई? 1/4 मोल, मतलब कि 0.25 मोल। क्या आंसर आया बेटा? 0.25 मोल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बेटा, नहीं है? नो मैम। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप का पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया है। CH4 की वॉल्यूम दी थी और CO2 के मोल्स दिए थे, तो हमने उसी टाइम में इसको लिख लिया और क्वेश्चन को किया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मुझे बता देना ये क्वेश्चन हो जाए तब। हो गया बेटा? हाँ भाई, यस नो में जवाब दो। हो गया क्या? यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस। स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हो, अपने बाद में कर लेना। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन What volume of oxygen at STP required to effect complete combustion of complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene होता है बेटा C2H2। acetylene क्या होता है? C2H2। and what would be the volume of CO2 formed? What would be the volume of CO2 formed? ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ो। What volume of oxygen at STP required to effect complete combustion करवाना है 200 सेंटीमीटर क्यूब है एसिटिलीन, फॉर्मूला होता है C2H2, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करो बेटा। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, सबसे पहले तुम्हें कंबस्शन करना है एसिटिलीन का। एसिटिलीन होता है C2H2, तो रिएक्शन बनाए सबसे पहले, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, पहले हम इसके बनाएंगे रिएक्शन। एसिटिलीन होता है C2H2, क्या करना है इसका? कंबस्शन। तो आपको पता है इससे बनेगा CO2, प्लस में क्या निकलेगा? H2O। अब इसको पूरा बैलेंस करो, C यहाँ पे 2 है तो आगे इसके 2 लगा दो, 2 यहाँ भी हो गए C, H देखो H वहां 2 है, यहाँ भी 2 ही है, H बराबर है। अब O देखो, यहाँ O है 2, 2 जा 4 और 1, 5,
यहाँ पे ओ है सिर्फ टू, फाइव करनी है तो डिवाइड मैंने कर दिया फाइव बाई टू ओ टू से, टू से टू कैंसिल तो ओ यहाँ कितने बच गए, फाइव बच गए। राइट साइड भी कितने ओ है, फाइव ओ हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखो ये बना एक वॉल्यूम सी टू एच टू है, फाइव बाई टू वॉल्यूम क्या है ओ टू है, इससे टू वॉल्यूम क्या बना बेटा, क्लास छोड़ के मत जाया कोई बेटा, देखो 30 स्टूडेंट थे अभी 28 हो गए, अभी तक कोई क्लास छोड़ के ना जाए। तो वन वॉल्यूम ये था, फाइव बाई टू वॉल्यूम ये था, और इससे टू वॉल्यूम क्या बन गया, सीओ टू बन गया, ऐसा ही था। तो अब आप देखिए आगे इसको कैसे करोगे, वन वॉल्यूम सी टू एच टू है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू वॉल्यूम सी ओ टू, ऐसा ही है ना, जो एक वॉल्यूम सी टू एच टू का है वो प्रोड्यूस कर रहा है दो वॉल्यूम सी ओ टू की। तो हमें कितना दिया गया है सी टू एच टू, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना करेगा, टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एच टू प्रोड्यूस, तो क्या बन जाएगा भाई, टू वॉल्यूम डिवाइड बाय वन वॉल्यूम इंटू में 200। तो बताओ वॉल्यूम से वॉल्यूम कट ही गया, क्या आंसर आ गया, 400 सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा, बोलो। हाँ भाई, एक वॉल्यूम सी टू एच टू वो प्रोड्यूस कर रहा है दो वॉल्यूम सीओ टू। अब बेटा मैंने वॉल्यूम ऑफ सीओ टू तो निकाल दिया, और किसी की वॉल्यूम भी पूछी है क्या, नहीं। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन बनाने के लिए यहाँ सी टू एच टू लिखो, वो कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 2 अपॉन 1 इंटू में 200, ये आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। बस तो क्वेश्चन ने यही पूछा था, वो हमने निकाल दिया तो हो गया क्वेश्चन। यहाँ चाहो तो एक मोल कर ले, तो कोई बात नहीं थी, एक मोल से एक मोल कट ही जाता, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप के। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन और बोलती हूँ, ये वाला कर लो तब तक आप लोग। और अगर तुमसे कोई ये पूछे कि एक वॉल्यूम सी टू एच टू है रिक्वायर्ड कितनी ओ टू चाहिए इसको, फाइव बाई टू वॉल्यूम ओ टू, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब सी टू एच टू जो है उसे कितना चाहिए, तो क्या करोगे, फाइव बाई टू इंटू में 200, तो ये क्या बन जाएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मुझे बता सकते हो तीन बच्चे क्लास से कौन कौन गए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, मैं लिख देती हूं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड by the combustion of, what volume of CO2 is required by combustion of 5 mole of carbon
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाय कंबशन ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। तो आपको बता रखा है ऐसे क्वेश्चन करने, सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे। तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, सी प्लस ओ टू, और इन दोनों से क्या बना दोगे, सी ओ टू, सी ओ टू। तो अब आप देखो बेटा इसकी चाहिए वॉल्यूम, ये एक मोल है और यहां एक मोल की वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर। तो क्या कहोगे बोलो, वन मोल ऑफ सी जो है प्रोड्यूस कर रहा है 22.4 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो 5 मोल कितना करेगा बोलो भाई, तो 22.4 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से, तो ये आ गया 112 लीटर। ठीक है, वैसे तो बेटा क्वेश्चन पूरा इस तरीके से आपको इक्वेशन करना है, कर लीजिए। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज इसको पूरा कर लो।